मैं सत्येंद्र सौरभ, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 55 फरीदाबाद। 2017 में यह विद्यालय स्थापित हुआ, उसी समय मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य के तौर पर प्रमोशन के बाद यहाँ पर आया। पहला वर्ष मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। यह विद्यालय का स्थापना वर्ष होने के नाते हमें विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर बढ़ानी थी, साथ में फरीदाबाद जैसे एजुकेशनल हब में जहाँ निजी विद्यालयों की मोनोपोली है वहाँ पर अपने आप को स्थापित करना था। तो ऐसे में हमने अपनी टीम के साथ मिलकर तय किया कि हम इस विद्यालय को डिजिटल विद्यालय में तब्दील करेंगे। वहीं सभी प्रकार के आधुनिक प्रसार माध्यमों का भी प्रयोग करते हुए हम विद्यालय की ख्याति को समाज तक पहुंचाएंगे। हमने वैसा ही किया और एक वर्ष के कार्यकाल के बाद हमने अद्भुत परिणाम देखे। जब यहाँ पर हजारों की भीड़ विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए ललायत थी, हमने प्रारंभ में कम विद्यार्थियों से अपना विद्यालय चलाया, परंतु जिस प्रकार हमने क्वालिटी दी और जो लक्ष्य हमारे सामने था कि यहाँ प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उनकी प्रतिभा को विकसित करते हुए एक देश के लिए संस्कारवान, सुशिक्षित और स्वस्थ नागरिक तैयार हों, वैसा लक्ष्य लेकर हम चले तो हमें अद्भुत परिणाम मिले। और सरकार ने हमारे प्रयासों को देखते हुए हमें हर प्रकार का सहयोग दिया। आज हमारे विद्यालय में सभी कक्षा कक्षों में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, आधुनिक तरीके से हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। यही नहीं, हमारे पास 40 कंप्यूटर्स के साथ बायोड लैब है। सूत्र में दूसरा जो एग्जाम्पल है, जब हमारी दोनों संख्याएं हमारे आधार जिसे हम बेस कहते हैं अगर उससे नीचे होंगी तो उस केस में हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, हाउ वी विल मल्टीप्लाई। -10 इट इज इक्वल्स टू 2। This is an English lab. Students are performing their assignment with the help of ICT tools. ये हमारे डिजिटल लैंग्वेज लैब है। इसमें तीनों भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं के लिए है। इसमें तीनों भाषाओं के मॉडल उपलब्ध है, उसकी पाठ्य सामग्री है इसमें, और इसके लिए हमें 20 बच्चे जैसे मिले हुए हैं और 20 बच्चों को हम एक साथ इसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। भाषा एवं कौशल विकास के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। एक्चुअली दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू क्लासरूम, ये एक सप्लीमेंट हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया सप्लीमेंट मटेरियल है, आप इसको फ्लिप क्लासरूम भी कह सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम नंदिनी। As we all know that number of changes are coming in our society day to day, and one such change is the introduction of e-education in the education system of India. The education policy of India has come with many such features in which it promote e-education along with classroom lectures. On the same track, Haryana government has provided tablets to the students of government schools so as to enhance their conceptual clarity. The animation videos, video lectures, assignments are provided on the tablets to the students so that the things that are believed to be cumbersome to understand become easy for the students to understand with the help of animations and videos like physics, biology. The things, the diagrams that are not possible to be drawn on the physical blackboards are possible here to understand by the students very easily. This is OLAB. OLAB means online lab. यहाँ पर हम online chemistry के practical जो कि CBSE board में है वो यहाँ पर हम करेंगे। For example, ये chemistry के practical है। इसमें आपको 12th में जितने भी syllabus पे जितने भी chemistry के practical है वो सारे यहाँ पर है। Determination of EMFO, preparations of organic compound हो, qualitative analysis of oil and fat हो, preparations of organic compound. बच्चों को IIT, मेडिकल एंट्रेंस,
केवीपीवाई जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कराने के लिए सुसज्जित बुनियाद का कक्षा कक्ष है, आईसीटी लैब है। इस तरह हमारे विद्यालय को देखेंगे तो कहीं भी आप निजी विद्यालयों से ऊपर ही पाएंगे। नमस्कार, मैं सीमा भाटिया राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55 की प्राइमरी विंग की हेडमिस्ट्रेस हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने FLN ट्रेनिंग के तहत ICT के उपकरणों के साथ बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो इसी के अंतर्गत आज हम आपको अपने क्लासरूम में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे टीचर्स कक्षा पहली से ही बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर इंटरैक्टिव क्विज के माध्यम से, इंटरैक्टिव टूल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हम मैथ की एक क्विज करते हैं। आज हमारे विद्यार्थी भी पूरे देश भर में हमारे विद्यालय का नाम कर रहे हैं। एम्स में, IIT में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज में, सभी स्थानों पर इस विद्यालय की सुगंध को फैला रहे हैं। मैं मोक्षा शर्मा वर्ष 2019 से 21 तक राजकीय आदर्श संस्कृति विद्यालय की छात्रा रही। विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं टीचर्स के द्वारा ICT इंटीग्रेटेड प्रोडजी के द्वारा पढ़ने में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक प्राइवेट विद्यालय से राजकीय विद्यालय में आई। आज मैं एम्स बिलासपुर में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ और इसका पूर्ण श्रेय विद्यालय को जाता है और प्रिंसिपल सर को। आई एम प्राउड टू बी अ संस्कृतियन। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मैं 2020 के बैच का पास आउट हूँ। अभी मैं DU से BCOM कर रहा हूँ। मैं BCOM का थर्ड ईयर का छात्र हूँ और साथ ही साथ अपना करियर एज अ डिजिटल मार्केटर देखता हूँ, जिसका श्रेय मैं काफी हद तक अपने स्कूल को देना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं स्कूल में हुआ करता था बहुत ही सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया करता था और वास्तव में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को स्कूल ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी ताकि आज मैं अपना करियर ऐसी फील्ड में बना सकूं। मेरा नाम गोविंद है और मैं वर्ष 2020 से स्कूल से पास आउट हुआ और मैं अभी SRCC के BCOM ऑनर्स का थर्ड ईयर का छात्र हूं और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मुझे कॉमर्स के नंबर वन कॉलेज में एडमिशन मिला। इसका बहुत हद तक श्रेय मैं अपने स्कूल को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया और इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। जहां हम सामान्य शिक्षा देते हैं वहीं पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से भी कराते हैं। आज के समय हमारे 100 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं पास करके छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें NMMS, NTSC आधारित, HSC, TSS प्रमुख हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास हरियाणा की ट्रॉफी है, ओवरऑल चैंपियनशिप हम जीत कर कुरुक्षेत्र से आए। तो इस तरह यह विद्यालय चहुमुखी विकास कर रहा है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा को दिखा रहा है। अपने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर देने के लिए देश के विभिन्न बड़े विश्वविद्यालयों में विजिट कराते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु जर्मनी के लैसिक जिम्नेजियम विद्यालय के साथ मिलकर के ऑनलाइन वेबिनार कराते हैं। यह ऑनलाइन वेबिनार हर वर्ष होता है और इसके माध्यम से बच्चे जर्मनी की संस्कृति को जानते हैं और जर्मनी के अध्यापकों से उनकी बात होती है। हम विद्यार्थियों से और परिवार और समाज से इस तरह जुड़े हुए हैं कि हमने कोविड काल में भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रहने दिया। हमने बहुत ही कम समय में जितने भी आधुनिक तरीके हो सकते थे, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो, चाहे जूम हो, व्हाट्सएप हो, और यहाँ तक कि अपना मूडल से हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से बच्चों को हमने पढ़ाया। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमने योग शिविर लगाया। यह योग शिविर 6 से 7:30 बजे तक प्रातःकाल होता था। आज हम देखेंगे कि हमारा विद्यालय पूरे फरीदाबाद में सभी लोगों में नाम उन तक पहुंच चुका है और बहुत लोकप्रिय है। आगे भी हम CBSE जैसे प्रतिष्ठित बोर्ड में इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ भी हम निश्चित रूप से अपना स्थान अच्छा ही रखेंगे और फरीदाबाद में हम एक प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में आगे और प्रतिष्ठा को हम अपनी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।